इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान क्या करें। दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर में। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। आज के समय में दिनचर्या, खान पान के बदलते महिलाओं का शरीर पूरी तरह से फिट नहीं होता, जिसका कारण गर्भावस्था के बाद जब डिलीवरी बच्चे होने होते हैं तो बहुत कठिनाई होती है। डिलीवरी दो तरह की होती है, नॉर्मल डिलीवरी जिसमें ना तो बच्चे को परेशानी हो और ना उसकी माँ को। दूसरी होती है सिजेरियन डिलीवरी, जिसमें महिला को बच्चे को जन्म देने पर बहुत कठिनाई होती है। चिकित्सक बताते हैं कि सिजेरियन के बाद महिला जल्दी रिकवर नहीं हो पाती, इसीलिए हर कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही कोशिश करती है। अगर आप गर्भावस्था में हैं और आपको पहले महीने से ही खुद का ख्याल रखने के बारे में सोच रही हैं, तो आपको सही खान पान, रहन सहन बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं, तो हमारे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पुराने जमाने में इतने हॉस्पिटल नहीं थे और ना कोई इतने बड़े जानकार, फिर भी बच्चा आसानी से घर पर हो जाता था और एक माँ के 5 से 7 बच्चे भी हुआ करते थे, वो भी किसी परेशानी के बिना। फिर भी माता तंदुरुस्त रहती थी। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है कि वो महिलाएं बाहर का जंक फूड नहीं खाती थी, ना ही शराब सिगरेट पीती थी, खान पान के साथ साथ काम बहुत करती थी, जिससे उनके शरीर फिट रहता था। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत सारी बर्थ क्लासेस चलती हैं, जहां आपको सही तरह से प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाता है। हर तरह के डाउट या समस्या का समाधान आपको वहां मिल जाता है। आपको नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड सारी बातें बताई जाती हैं। गर्भावस्था के दौरान दर्द की समस्या हो या रिलैक्स होने में कोई कठिनाई हो, तो यहां आपको वो चीजें बता दी जाती हैं। गर्भावस्था में योगा करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको किसी न किसी के परामर्श के द्वारा ही करना चाहिए। आपके शरीर के हिसाब से जो योगा आपके लिए सूटेबल हो वही करें। तीसरा तरीका है कि अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें या फिर पानी वाले फलों का सेवन करते रहें। आपका जितना वजन है, आपको उसका 10% पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर आप 60 किलो की हैं, तो दिन भर में कम से कम 6 गिलास पानी जरूर पिएं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा पानी पी सकती हैं, तो दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी आइडियल होता है। दोस्तों, संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि अपने खाने में हर चीज का समावेश करना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें जिनमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते हैं, साथ ही साथ घी और दूध का सेवन भी करना चाहिए। लेकिन आपको ये जरूर जानना जरूरी है कि आपके शरीर में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, उसके हिसाब से ही आपको इन चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें, अगर आप नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं और संतुलित भोजन करते हैं, तो आपके शरीर में आसानी से कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। मोटापे को ना बढ़ने दें, ऐसा काम करें जिससे आपका मोटापा कंट्रोल में रहे। ज्यादातर गर्भावस्था के दौरान मोटापा बढ़ जाता है, इसीलिए मोटापे को कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप अपने आप को नियमित तौर पर इसके कंट्रोल में रखें। रोजाना व्यायाम और टहलना ना भूलें, इससे आपकी एनर्जी खर्च होगी और आपके शरीर पर वो फैट नहीं बनेगा। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान तनाव में रहती हैं, किसी न किसी बात पर उनको परेशानी होती है, बाहर जाने में शर्म आती है। तनाव को कम करने के लिए आप रोजाना मेडिटेशन कर सकती हैं, सांस का व्यायाम किया जा सकता है, जिससे हमारे अंदर की सारी परेशानियां बाहर निकलकर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये थे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारे समाधान। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे जरूर पूछें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके सवालों के जवाब देने की। दोस्तों, जुड़े रहें लोटस प्रेगनेंसी केयर के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।